गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनने पर पीएम मोदी को सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित संस्था मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे में नेट अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। यह देश के लिए है गौरवपूर्ण उपलब्धि। ड्राई रन के बाद मगर संक्रांति के आसपास शुरू होगा कोविड टीकाकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय व सदर तहसील में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैंबर्स का किया शिलान्यास। कहा, सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में कोरोना नियंत्रण के सबसे अच्छे परिणाम। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद भव्य जनसभा को भी किया संबोधित। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया गोरखपुर महोत्सव, खिचड़ी मेला और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। मेले को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के दिए निर्देश। कहा, 5 जनवरी को गोरखपुर में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। 2 से 12 जनवरी तक चलने वाले सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, 6 रोगियों का इलाज कर प्रदेश को बनाया जाएगा टीबी मुक्त प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया विधानसभा कैंपेयरगंज में 3,736 लाख रुपए के 7 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई। कहा, देश और प्रदेश का हो रहा है निरंतर विकास। जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सेकंड का प्रमुख सचिव न्याय के पद पर प्रोन्नति होने पर बार एसोसिएशन के सभागार में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण स्मृति चिन्ह देकर की जनपद न्यायाधीश की विदाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 908,48,000 की लागत से बनने वाले कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील सदर में अधिवक्ता चैंबर्स का शिलान्यास। कहा, नए भवन निर्माण से अधिवक्ताओं को अपने कार्यों को संपादित करने में होगी सुविधा, वाद कार्यों को भी मिलेगा लाभ। गोरखपुर में शनिवार को मिले 40 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,053। अब तक 345 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 266 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। नवजात शिशु के जन्म के पूर्व दिए गए गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर जिला प्रशासन द्वारा सील किए गए 3 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर आईएमए ने जताई आपत्ति। कहा, वैज्ञानिक तथ्यों को किया गया है नजरअंदाज। सीएम से मिलकर रखेंगे अपनी बात, बच्चे के प्रति जताई संवेदना। और डीएम के आदेश पर राजघाट थाने के गैंगस्टर पार्षद सौरव विश्वकर्मा व उसके भाई चंदन की संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। स्कॉर्पियो गाड़ी को राजघाट पुलिस ने लिया कब्जे में।